नमस्कार दोस्तों, आ चुका है हमारे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से रियलमी 9i का एक बॉक्स। दोस्तों मैंने रियलमी 9i 5G फ़ोन फ्लिपकार्ट सेल से मंगा लिया है, जिसको मैंने ओपन भी करके देख लिया, क्योंकि दोस्तों आजकल काफ़ी फ्रॉड चल रहा है तो चेक करना ज़रूरी होता है। तो आपके सामने मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, और प्लस दोस्तों ये फ़ोन कैसा है, और आपको ये तो पता लग ही चुका होगा कि ये मैंने कितने में मंगाया है। चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं और मैं आपको इस बॉक्स के अंदर सारे कंटेंट दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, रियलमी 9i का बॉक्स और इसमें कुछ भी नहीं है, ये साइड में रखते हैं। तो दोस्तों ये है रियलमी 9i 5G। दोस्तों रियलमी के जितने ये बॉक्स आते हैं ज़्यादातर येलो ही आते हैं, जिसमें दोस्तों आपको पीछे देखिए डायमेंसिटी का 810 5G वाला प्रोसेसर मिलता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और 19 Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलता है, और 50 MP का मिलता है दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप। दोस्तों मेन कैमरा 50 MP का है, सारे कैमरे नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों ये है मेरे पास मेटेले का गोल्ड कलर, जिसके अंदर है दोस्तों 4GB और 64GB वाला वेरियंट, इसका मैंने बेस्ट वेरियंट मंगाया है। और इसके रेट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो MRP है वो 17,999 रुपये, बट एक्चुअल जो प्राइस है वो आपको पता लगी चुकी होगी थंबनेल देख के, क्योंकि कैश प्राइस दोस्तों इतनी है। बट अगर आप इसे EMI वगैरह पे लेते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे लेते हो तो आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, इस बात का आपको रखना है ध्यान। चलिए ऑफर इस बॉक्स ओपन कर दें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जी हमारे पास एक और बॉक्स, इसके अंदर चेक कर दें क्या क्या मिलता है। दोस्तों वैसे यहाँ पे हमें मिलना चाहिए एक कवर, क्योंकि रियलमी के फ़ोन में हमें कवर ज़रूर मिलता है। तो हाँ दोस्तों देखिए, ये है एक कवर TPU कैसा दोस्तों, ये मुलायम वाला, ये यूजर मैनुअल, और ये है दोस्तों इसकी सिम इजेक्टर टूल। तो ये सब कुछ साइड में रखते हैं। ये है दोस्तों मेन फ़ोन, इसको हम अभी देखेंगे और क्या है देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जी है इसकी डाटा केबल Type-A to Type-C, टाइप सी डाटा केबल है दोस्तों इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाइप सी डाटा केबल है, आपको दिख रही होगी। और ये है दोस्तों एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। दोस्तों रियलमी में हमें फास्ट चार्जर मिलता है, रियलमी कितने ही सस्ते डिवाइस ले लो आप, आपको उसमें चार्जर तो मिलता ही है, प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया चार्जिंग का काम, अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों जी है मेरे पास मेन फ़ोन, ये देखिए दोस्तों, फ़ोन देखने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है स्टाइलिश, आपको प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्रीमियम जो फ़ोन होते हैं उनमें इस तरह के टेक्स्चर वगैरह नहीं आते। तो दोस्तों आप इससे पता लगा सकते हो कि ये फ़ोन प्रीमियम नहीं है, बट ये जो पीछे बैग दिया गया है दोस्तों, जो प्लास्टिक है, लेकिन ग्लास वाली फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि एकदम ग्लास जैसा लग रहा है। और दोस्तों देखिए आपको इसमें जो काफ़ी ये चमकना टाइप से स्टाइल ये डिस्प्ले दिख रही होगी, जिसमें आपको काफ़ी टेक्सचर से दिख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जैसी डिजाइन ही ऐसी है। और आप एक कैमरे के मॉड्यूल दिखाऊँ तो ये देखिए काफ़ी निकले हुए हैं बाहर की तरफ, उठे हुए कैमरे हैं, ये देखिए जैसे कि आईफोन में होते हैं, iPhone 13 में जो आईफोन ये प्रो सीरीज होती है दोस्तों, उस टाइप से कैमरे इसके निकले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट दोस्तों आप कवर यूज करके रखोगे तो इनकी सेफ्टी ज़्यादा होगी, नहीं तो इन पर एक्सरेज आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों इसमें आपको मिलता है साइड में बटन जो है फिंगरप्रिंट, और ये है पावर ऑफ ऑन बटन। इस साइड मिलता है दोस्तों पावर वॉल्यूम अप डाउन बटन, यहाँ है सिम ट्रे, जिसमें आप दोस्तों 2 SIM प्लस SD कार्ड ला सकते हो। नीचे दिया गया दोस्तों 3.5 mm जैक, यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक, ये है दोस्तों Type-C पोर्ट, और ये है इसका स्पीकर। इसमें भी दोस्तों आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल नहीं मिलता, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको इस फोन में डुअल स्पीकर नहीं मिलता। यहाँ दोस्तों आपको 6.4 इंच की एक इसमें मिलती है हमें 6.4 इंच की डिस्प्ले, जिसमें आपको LCD पैनल मिलता है, और ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है। चलिए इसे ओपन करते हैं
और कैमरे की बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों ये 8 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। चलिए इसे ओपन करता हूँ, सेटअप करता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन मैंने सेटअप कर दिया और अपने वाईफाई से कनेक्ट भी कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों एक सेंसर दिया गया है जो ब्लिंक हो रहा है, देखिए ये कैमरे में दिखता है, वैसे आपको नजर नहीं आएगा रियर में क्योंकि कैमरे में दोस्तों इसकी लाइट दिख रही है। वैसे आपको अगर ऐसे देखोगे बिना कैमरे के आप देखोगे तो मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रही। दोस्तों इस फ़ोन में हमें एक चीज़ और मिलती है, वो ये है इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो आपने देखी होगी सैमसंग गैलेक्सी F23 की, उसमें दोस्तों ना तो हमें कवर मिलता था और ना ही दोस्तों स्क्रीन पर कुछ लगा हुआ मिलता था। इसमें दोस्तों आपको कवर मिल रहा है, ये देखिए। प्लस दोस्तों इसके डिस्प्ले पर हमें एक पिन्नी लगी मिलती है जो दोस्तों स्क्रीन गार्ड, भले टेम्पर नहीं है बट आपका कुछ दिन का टाइम इससे कट जाएगा। जब आप अपने मार्केट जाओ तो आप टेम्पर लगवा सकते हो बट उससे पहले आपका काम चल जाएगा कुछ दिन के लिए, तो इस पर स्क्रैच नहीं आएंगे। इस पर एक देखिए डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इस पर गार्ड लगा के दिया गया है कंपनी ने, तो ये एक अच्छी बात है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। चलिए ये जो कवरेज की क्वालिटी देखते हैं लगा के, कैसी फीलिंग आती है कवर लगाने के बाद फ़ोन को, कैसा लगता है ये, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था और इसका जो कवर है ये थोड़ा डार्क है, तो देखते हैं कैसा लगता है फ़ोन, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कवर है। तो कवर दोस्तों लग चुका है, अब देखते हैं। तो दोस्तों देखिए कवर लगाने के बाद भी आपके फ़ोन की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है कि यह जो डिज़ाइन है वो ढक जाए। और दोस्तों कवर लगाने के बाद आपका जो कैमरा है फ़ोन का वो एकदम लेवल में आ जाएगा कवर के, तो अगर ये फ़ोन अगर आप ऐसे रख भी देते हो तो स्क्रैच काफ़ी कम आएंगे। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज करते हो, इधर उधर रखते हो, तो आप एक ऐसा कवर लो जिससे आपके कैमरे भी प्रोटेक्ट हो जाएं, एकदम फ्लैट जो बंद होते हैं इस तरीके से, वो वाला कवर ले सकते हो। दोस्तों इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, ये देखिए, बट ओल्डर डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप वाली, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें आपको 19 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सिंगल स्पीकर है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो इसका खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो आपको इस फ़ोन के बारे में सारे फीचर पता ही होंगे क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है टाइम के हिसाब से, बट सेल में मिल रहा है जिस प्राइस पर उस हिसाब से मैंने इसे मंगा लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।